फटे बारदाने वाले वायरल वीडियो पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की ओर से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताते हुए इसे झूठा करार दिया है। उन्होंने निदा फाजली का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बूझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक किसान मंडियों में मिलने वाले बारदानों की हालत दिखा रहा है। वीडियो में फटे हुए बारदाने दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने इसकी सच्चाई लोगों के सामने रखी। दुर्ग जिला पंचायत की सभागार में सामान्य सभा की बैठक की गई, जिसमें जिला पंचायत की अध्यक्षा शालिनी देवेन यादव व जिला पंचायत की सीईओ अश्वनी देवांगन की उपस्थिति में सभी विभाग के अधिकारियों व सदस्यों से चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में धान खरीदी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हम बता दें कि योजना मुख्यमंत्री की महती योजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 15 अगस्त को की थी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पहुंचाया जाने को लेकर जानकारियां भी ली गई और इस दिशा में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। साथ ही चर्चा में जिला पंचायत की अध्यक्षा शालिनी देवेन यादव ने बताया कि धान खरीदी को लेकर किसानों को काफी खुशी मिली है। उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। साथ ही इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्षा ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रैंडी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।